हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश फ्रॉम एरोंस इंडिया। आज हम बात करेंगे साउंडक्राफ्ट नैनो M08BT मिक्सर के बारे में। ये है साउंडक्राफ्ट नैनो M08BT की बैक पैनल। यह है इसका पावर सॉकेट, यह है इसका ऑन ऑफ स्विच, यह है इसका 48 वोल्ट फैंटम पावर ऑन ऑफ स्विच, यह है USB पोर्ट जो PC कनेक्ट करने के लिए काम आता है। इसमें दो मोनो चैनल और 3 स्टेरियो चैनल है और 2 स्टेरियो चैनल में माइक इनपुट भी है। यह है मोनो चैनल का माइक इनपुट, लाइन इनपुट, इंसर्ट, गेन नॉब, लो कट स्विच। यह है कंप्रेशन नॉब। इसमें 3 बैंड EQ है, हाई, मिड और लो। यह है इफेक्ट नॉब। यह है उसका पैन नॉब। यह है उसका फेडर जिसका साइज 40 mm है। यह है स्टेरियो चैनल का माइक इनपुट, लेफ्ट और राइट लाइन इनपुट। यह है गेन नॉब। यह है लो कट स्विच। बाकी मोनो चैनल जैसा था, सेम टू सेम है, इन दोनों चैनल में है, लेकिन चैनल नंबर 7 और 8 पे RCA लेफ्ट और राइट इनपुट है और इसमें सिर्फ 2 बैंड EQ है, हाई और लो। और इसमें USB और लाइन सिलेक्शन करने के लिए स्विच दिया हुआ है। और यह है इसका फेडर। यह है आउटपुट सेक्शन। यह है मेन लेफ्ट और राइट XLR आउटपुट। यह है मेन लेफ्ट और राइट P38 आउटपुट। यह है इफेक्ट आउट। यह है कंट्रोल का लेफ्ट और राइट आउट। यह है फुट स्विच आउट। ये और यह है फोन आउट। इसमें 100 डिजिटल इफेक्ट है। यह डिजिटल इफेक्ट सिलेक्ट करने के लिए नॉब है। आप नॉब को रोटेट करके कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और आप ऐसे प्रेस करने से वो ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा और इफेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। यह है इफेक्ट को म्यूट करने के लिए स्विच। उसको प्रेस करने से इफेक्ट म्यूट हो जाता है। और यह है इफेक्ट का फेडर। इफेक्ट देने के लिए यह फेडर आप यूज कर सकते हैं। यह है कंट्रोल का फेडर। यह है मेन आउट फेडर। यह है USB का वॉल्यूम नॉब और यह है मेन और कंट्रोल सिलेक्ट करने के लिए स्विच। यह है हमारा सिग्नल LED इंडिकेटर और यह है पावर और फैंटम पावर का सिग्नल LED इंडिकेटर। जब आप उसको फैंटम पावर ऑन करेंगे तो यह ग्लो हो जाएगा। यह है मल्टीमीडिया सेक्शन। इसमें USB प्लेयर भी है और ब्लूटूथ भी है। यह है इसका पावर ऑन ऑफ स्विच। इसको प्रेस करने से यह ऑन हो जाता है। इसमें अभी हम USB इंसर्ट करेंगे। USB अभी इंसर्ट हो गया है। यह है प्रीवियस बटन, यह है नेक्स्ट बटन, यह है रिपीट बटन, यह प्ले पॉज बटन। और इसको प्रेस करके रखने से मोड्स चेंज होता है। यह है रिकॉर्ड बटन। इसको एक बार प्रेस करने से तो वो रिकॉर्डिंग मोड पे जाता है और दोबारा प्रेस करने से वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए पावर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग अभी स्टोर हो गया। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए पहले आपको यह प्ले पॉज बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। यह अभी ब्लूटूथ मोड पे आ जाएगा और आपको मोबाइल डिवाइस में आपको इस मॉडल नंबर को सर्च करना है। साउंडक्राफ्ट नैनो M08BT करके आ जाएगा। उसको आपको पेयर करना है। यह अभी पेयरिंग हो रहा है। अब ये कनेक्टिंग हो रहा है। ये अभी कनेक्टेड हो गया है। ब्लूटूथ करके ऐसे लिख के आएगा। जो भी गाना आप प्ले करेंगे वो ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा।
हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 हेलो माइक चेक 1 2 3 हेलो 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 अभी चलिए हम रिकॉर्डिंग का साउंड चेक करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए ऐसे हम रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस कर दिए। हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 हेलो 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 माइक चेक 1 2 3 हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 हेलो हेलो हेलो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।